चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग की तैयारी हो रही है। एनसीपी नेताओं के मुताबिक महाभियोग का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है और उसे संसद में किसी भी सत्र में लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ लामबंद हुआ विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की तैयारी। कांग्रेस समेत कई दलों ने तैयार किया महाभियोग का ड्राफ्ट। सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने जब 12 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कार्यशैली पर सवाल उठाए तो पूरा देश हैरान रह गया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लिहाजा सीपीएम समेत कुछ दलों ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही, जिसे अब अमलीजामा पहनाने की तैयारी चल रही है। खबर है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने महाभियोग का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। महाभियोग के लिए तैयार ड्राफ्ट पर कई पार्टियों की हरी झंडी भी मिल गई है। सूत्रों की माने तो महाभियोग लाने पर कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी और एनसीपी में सहमति बनी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ तैयार ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। सभी हस्ताक्षर पूरे हो जाएंगे, मेरा ख्याल है 50 से ऊपर हस्ताक्षर हो जाएंगे। बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज हैं, एनसीपी, सीपीआईएम है, सीपीआई है, आई थिंक टीएमसी आल्सो, लेट मी चेक ऑल दिस। क्या कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने इस पे साइन किया? आई थिंक सो। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 124(4) में महाभियोग का उल्लेख है। महाभियोग के लिए लोकसभा के 100 सांसदों की सहमति जरूरी होती है या फिर राज्यसभा के 50 सांसदों की स्वीकृति से भी महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव पास कराने के लिए संसद का 2/3 बहुमत जरूरी होता है। ऐसे में विपक्ष के लिए महाभियोग का प्रस्ताव पास कराने के लिए जादुई आंकड़े को जुटाना किसी चुनौती से कम नहीं। माना जा रहा है कि जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव विपक्ष की सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। What Congress thinks, what they are doing right now, what Trinamool Congress thinks, what they are doing right now, I think the mindlessness of the opposition is right there for everyone to see. Let's not search for logic in that. What they are doing is just creating noise because they do not have an issue otherwise to bring against the government. Justice Deepak Mishra देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं और इसी साल 2 अक्टूबर को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के पटल पर कब आता है। टीम न्यूज़ नेशन।